अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने मोबाइल को कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर किस तरह से स्क्रीन मिरर कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर हम किस तरह से अपने मोबाइल को चला सकते हैं, और वो भी बग़ैर किसी एमुलेटर के, और वो भी सिर्फ और सिर्फ USB केबल के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जिसके ज़रिए आप पबजी भी खेल सकते हैं, आप कोई भी गेम्स खेल सकते हैं, अपने मोबाइल को मुकम्मल कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर से। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और चैनल के ऊपर नए हैं तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फ्रेंड, सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग मैं बताता हूँ कि मोबाइल में आपने कौन कौन से सेटिंग करने हैं। मोबाइल में यहाँ पर आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएँ। सबसे पहले इसमें जाने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए, और यहाँ पर यह आप देख सकते हैं अबाउट फोन। इस अबाउट फोन में जाए। इस अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं वर्जन बेस बैंड कर्नल। मेरे पास रियलमी मोबाइल है, अगर आपके पास इन्फिनिक्स का मोबाइल हो तो उसमें XOX वर्जन आपके सामने लेकर नज़र आएगा। तो अभी मैं इस वर्जन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो इसी तरीके से आप भी इसके ऊपर क्लिक करें। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं बिल्ड नंबर, यहां से हमने इसके लिए पहले डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है। तो इस डेवलपर ऑप्शन को ऑन करने के लिए यहां पर पहुंचने के बाद यहां पर बिल्ड नंबर जो लेकर नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करते जाएँ जब तक कि यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यू आर नाउ इन डेवलपर मोड, जब तक कि आपका डेवलपर मोड ऑन ना हो। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अभी मेरा डेवलपर मोड ऑन हो चुका है, ये ऑन नहीं होता दोबारा। तो अभी इससे बैक होना है। बैक होने के बाद यहाँ पर आपके सामने एडिशनल सेटिंग होगा। एडिशनल सेटिंग में जाएं। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में जाएं। तो यहाँ से डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन है, और यहाँ से हमने USB डिबगिंग आप देख सकते हैं, इस USB डिबगिंग को हमने ऑन करना है। ओके कर दें। अगर आप लोगों के सामने USB डिबगिंग का ऑप्शन नहीं आता तो सिंपली से आप यहां से भी ऊपर से भी सर्च कर सकते हैं, यहां पर USB डिबगिंग, इधर से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं उसी जगह पे मैं आ चुका हूं। तो इसके बाद अब मैं आप लोगों को कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले जाता हूं। कंप्यूटर के स्क्रीन में भी आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। छोटा सा सॉफ्टवेयर है ए पावर मिरर नाम से एक सॉफ्टवेयर है। इसका मैं आप लोगों को लिंक भी नीचे देता हूं डाउनलोड करने का, कि आप लोगों ने कहां से डाउनलोड करना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है और इंस्टॉल भी है, मैंने इंस्टॉल भी किया है। इसको आपने इंस्टॉल करना है, और इस एप पावर मिरर का जो एप्लीकेशन है इसको अब आपने ऑन करना है। यहां पर यह आप देख सकते हैं इसका लुक है एप पावर मिरर का। तो यहाँ पर ऑन होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से सामने आएगा। यहाँ पर ये इसको मैं इस साइड पे करता हूँ, और इस साइड पे मैं अपना मोबाइल दिखाता हूँ। तो ऑन करने के बाद यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर तो इधर पे हो गया। अब भी मोबाइल के प्ले स्टोर में भी जाए, यहाँ पर भी एप पावर मिरर के नाम से एप्लीकेशन है, उसको भी इंस्टॉल करें। उसको भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। तो ऐप और सॉफ्टवेयर को मैंने अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल किया है, ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ पर मोबाइल के में जो ये ऐप है इसमें जाएं, और यहाँ से आपसे कंटिन्यू मांगेगा, एलो करें यहाँ से। और यहाँ पर अब आते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। यहाँ से ये आप देख सकते हैं इधर पर USB जो लेकर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर या नीचे आप देख सकते हैं कनेक्ट योर फोन टू PC विया USB। तो अभी इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो केबल है USB एक्सटेंशन है, उस केबल को आपने इसके साथ अटैच करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन मिररिंग कंप्यूटर के ऊपर तो 19% हो चुका है, और अभी ये मिरर हो जाएगा। लेकिन मिरर क्यों नहीं होता, यहाँ पर मेरे सामने मोबाइल में भी आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ये ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं स्टार्ट नाउ लेकर है। स्टार्ट नाउ पर यहाँ पर मैं मोबाइल से क्लिक करूँ तो ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं PC के ऊपर हमारा मोबाइल का स्क्रीन आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। और अभी मैं मोबाइल यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, PC से यूज़ कर रहा हूँ। अभी जो दूसरा साइड पे है उसको मैंने छोड़ दिया है। यहाँ से अब आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप जो भी गेम वगैरह खेलना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर के ऊपर इसको
यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप लोग कहेंगे कि आपने क्या किया है, ये आप कंप्यूटर देख सकते हैं, ये मेरा पीसी है, इसके ऊपर मैं अभी ये मोबाइल चला रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप भी इजीली चला सकते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर पबजी यूज़र इसको यूज़ करना चाहे तो इसके लिए यहाँ पर कीबोर्ड ऑप्शन है, यहाँ से इसको अगर इनेबल के ऊपर भी क्लिक करें तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये इसके लिए आपको बाई करना होगा, इसका ट्रायल वर्जन जो है ये काम नहीं करता सही। और इसके अलावा यहाँ से आप मोबाइल का जो एप्लीकेशन है ए पावर का, इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से ये इसकी सेटिंग है, ये रिजोल्यूशन है, ये आप देख सकते हैं रिजोल्यूशन की सेटिंग कर सकते हैं, और ये इनेबल ऑडियो है, और यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन को भी आप ऑफ कर सकते हैं। ये आपकी बैटरी की यूजेज के लिए है, आपकी बैटरी को कम यूज़ करेगा। और इसके अलावा ये इसकी सेटिंग है, लेकिन सेटिंग को नहीं चढ़ना है। और इसी तरीके से फ्रेंड आप भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं पीसी के ऊपर अपना मोबाइल को यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।